देश में 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। वहीं टीकमगढ़ में भी जिला कलेक्टर अवधेश शर्मा ने भी ध्वजारोहण किया और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और शहीदों की याद में 3 बार सलामी दी। इसी दौरान जिला कलेक्टर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री का वाचन सुनाते हुए कहा कि लंबी पराधीनता के बाद मिली आज़ादी हमें हमारे लिए किसी सुखद सपने से कम नहीं थी। की स्वच्छता जैसे अनेक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में मध्यप्रदेश लगातार देश में अग्रणी बना हुआ है। यह संभव हुआ है क्योंकि हम मध्यप्रदेश के माननीय प्रधानमंत्री जी के सबसे अच्छी मंत्र समावेशी विकास, अंत्योदय, अधोसंरचना एवं निवेश, ग्रीन ग्रोथ, युवा शक्ति, राज्य शक्ति एवं क्षमताओं के अधिकतम विकास को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रहे हैं। मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ सरकार ने विकास को त्यौहार का रूप दे रखा है। पूरे प्रदेश में 16 जुलाई से 14 अगस्त 2023 से विकास पर्व की लहर गाँव गाँव शहर शहर चली है। विकास कर के दौरान 45,000 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन संपन्न हुआ है। प्रदेश के सभी 230 विधानसभा क्षेत्रों में निकाली गई विकास यात्राओं के दौरान 9 लाख से अधिक आवेदनों का निराकरण और 10,000 करोड़ से अधिक रुपए के आर्थिक विकासों के लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के रूप में मध्यप्रदेश में सुशासन की एक नई क्रांति प्रवाहित हुई है। अभियान के प्रथम चरण में 83 लाख से अधिक हितग्राहियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया है। अभियान के दूसरे चरण में 68,46,000 से अधिक आवेदनों पर 1,73,000 से अधिक सीएम हेल्पलाइन शिकायतों का निराकरण हुआ है। विकास यात्रा, विकास पर्व, मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के त्रिवेणी संगम प्रदेश की तस्वीर और तकदीर बदलने में महायक बन गया है। जनता का सुख सरकार का सुख है और जनता का दुखी सरकार का दुख है।